स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज वो करेंगे गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। लेकिन इससे पहले जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके हार्मोनल कंट्रोल तक भी हम कर चुके हैं, डिसऑर्डर्स भी हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज गेमेटोजेनेसिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, इट इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। बेसिकली गेमेटोजेनेसिस फॉर स्पर्म्स, गेमेटोजेनेसिस फॉर स्पर्म्स क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज गेमेटोजेनेसिस फॉर ओवा क्या कहा जाता है बेटा? ओजेनेसिस। व्हाट? ओजेनेसिस। सो ओजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, वेयर एज स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। क्लियर? और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, और बेटा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, बेटा ये रेगुलेट करते हैं गेमेटोजेनेसिस को, राइट? हमने पढ़ा था ना हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? तो गेमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस को भी वही हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इनके अलावा क्या चाहिए? विटामिन ई चाहिए। विटामिन ई भी बेटा बहुत ज़रूरी होता है फॉर गेमेटोजेनेसिस। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो इट कैन लीड टू स्टेरिलिटी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, इट लीड्स टू स्टेरिलिटी। राइट? और इवन विटामिन ए भी चाहिए बेटा, दैट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गेमीट्स। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गेमीट्स। राइट? तो ये था हमारे पास, बिल्कुल अभी जनरल अभी हमने स्टार्ट नहीं करा स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स को गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्म्स के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के लिए ओजेनेसिस, और हार्मोन्स कौन कौन से रेगुलेट करेंगे, प्लस विटामिन ई और ए की भी रिक्वायरमेंट होगी फॉर गेमेटोजेनेसिस। राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, राइट? स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्म। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ इज एक्चुअली स्पर्म, लेकिन ये कहाँ बनेंगे? दैट इज फॉर्म्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस, राइट? एंड वी नो इट वेरी वेल कि जो वॉल होती है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल की, आपको याद होगा वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम नोन एज जर्मिनल एपिथीलियम। सो वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम, दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथीलियम। राइट? सो बेटा ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है दैट विल प्रोड्यूस द व्हाट? जर्म सेल्स। कौन से? स्पर्म्स। क्लियर? बट जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है दैट कंसिस्ट ऑफ
जर्मिनल एपिथीलियम दैट हैज़ प्राइमरी जर्म सेल्स PGC एंड सर्टोली सेल्स, राइट? प्राइमरी जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, आपको याद होगा ये टॉल सेल्स थे। और ये कैसे होते हैं? जिनसे स्पर्म्स बनने हैं, राइट? दे आर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। राइट? तो बेटा नॉर्मली क्या होता है, एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करेंगे इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म्स पहले नहीं बनेंगे। स्पर्म्स कब बनेंगे? ड्यूरिंग प्यूबर्टी, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। बेटा जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वो क्या हैं? स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दो स्टेजेस हैं। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स का बनना, और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दो इस पे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की इटसेल्फ दो स्टेजेस हैं। एक तो पहले स्पर्मेटिड बनना, फिर वही स्पर्मेटिड आगे स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स में मैच्योर होंगे, राइट? बेटा ये पूरे इवेंट्स को ना, गेमेटोजेनेसिस के इवेंट्स को हमने तीन फेजेस में डिवाइड करा होता है, तो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि गेमेटोजेनेसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा ये तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से? फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव फेज, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं प्रोलीफरेटिव फेज। राइट? बेटा इन मल्टीप्लिकेटिव फेज या प्रोलीफरेटिव फेज में क्या होता है, जो पीजीसी थे दैट इज़ प्राइमरी जर्म सेल्स, बेटा दे अंडरगो माइटोसिस। अगर माइटोसिस है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? सेम, राइट? और ये जो पीजीसी होते हैं बेटा एट सेक्सुअल मेच्योरिटी, ये जो पीजीसी हैं ये माइटोसिस करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। बट रिमेंबर दिस अकर एट प्यूबर्टी, राइट? सेकंड जो है फेज दैट इज अ ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। बेटा ग्रोथ फेज के टाइम पे क्या होनी है? ग्रोथ होनी है। पर मैं आपको एक भी बता दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बताना रह गया। बेटा जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं ना, वो दो तरह के बनते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है बेटा। ये जो टाइप बी हैं ये तो चलाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो टाइप ए वाले हैं ये एज अ रिजर्व पड़े रहेंगे, क्योंकि देखो स्पर्म्स तो और भी बनने होंगे, राइट? तो ये एज अ रिजर्व पड़े रहेंगे, और टाइप बी ये स्पर्म्स बनाएंगे। तो ये तो हम कह सकते हैं ये एक्ट एज, दीज एक्ट एज स्पर्म सेल्स, सॉरी दीज एक्ट एज स्पर्म प्रिकर्सर्स, और ये दे कैरी ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट? एक बार फिर बता रही हूँ बेटा, हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दो स्टेजेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में फर्स्ट फेज है मल्टीप्लिकेटिव फेज या प्रोलीफरेटिव फेज। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो पीजीसी थे, पीजीसी क्या है? दैट इज़ अ क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथीलियम, उसके सेल्स ये माइटोसिस करेंगे और बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए वाले तो एक्ट करेंगे स्पर्म प्रिकर्सर, यानी कि अगर फिर से ये प्रोसेस चलाना हुआ तो इससे दोबारा टाइप बी बनेंगे, और फिर कुछ टाइप ए प्रिजर्व रह जाएंगे और टाइप बी
स्पर्मेटोजेनेसिस में एक्ट करेंगे या स्टार्ट होंगे या ये स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। सेकंड फेज इज अ ग्रोथ फेज। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रोथ होनी है। ग्रोथ फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, राइट। अभी ग्रोथ फेज में देखो क्या होगा, सी इसमें क्या होगा, अब जो बी वाला था, टाइप बी वाला स्पर्मेटोगोनियम, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, इट इनलार्जेस इन साइज, राइट। और वो क्या बना देगा, वो बना देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये बड़ा क्यों होगा, साइज में इनलार्ज क्यों होगा, बाय टेकिंग नरिशमेंट, बाय टेकिंग न्यूट्रिशन, कहाँ से, फ्रॉम सर्टोली सेल्स। आपको याद होगा सर्टोली सेल्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैच्यूरेशन। थर्ड फेज इज अ मैच्यूरेशन फेज। अभी हमने कहाँ तक बना लिया, हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक बना लिया, प्राइमरी, इसको मैं अभी एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी बनाऊंगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, दैट अंडरगो, व्हाट इट अंडरगो, इट अंडरगो टू डिविजन्स, कौन सी, ऑब्वियसली मियोसिस। अभी तक क्या हो रही थी, माइटोसिस, माइटोसिस अभी तक एक बार ही हुई है, उसके बाद सिर्फ ग्रोथ हुई थी, अब हो रही है डिवीजन, कौन सी, मियोसिस, राइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा बेटा, पहले करेगा मियोसिस वन। मियोसिस वन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मियोसिस वन को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अगर रिडक्शनल डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। तो पहले अगर क्रोमोसोम नंबर कितना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, 46, तो अब कितना हो जाएगा, 23, राइट। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से हमारे पास क्या बनेंगे, दो सेल्स, क्या बोलेंगे उनको हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहले क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब क्या बनेंगे हमारे पास, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, दैट इज 23, राइट। यानी कि अब क्या हो गई है, हैप्लॉयड हो गई। अब यही दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों, मानो एक ये रहा एक ये रहा, ये दोनों अब क्या करेंगे, मियोसिस टू। अगर मियोसिस टू करेंगे तो अब क्या होगा, अब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होती है, लेकिन सेकंड डिवीजन कैसी होती है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। अब क्या होएगा, अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन करी और क्या बना दिए, स्पर्मेटिड्स बना दिए, चार, यानी कि 4 स्पर्मेटिड्स दे आर फॉर्म्ड, राइट। तो ये फेज क्या था अभी, मैचुरेशन फेज। तो कितने डिवीजन कर ली इन्होंने, दो मैचुरेशन डिवीजन, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, राइट। नॉर्मली बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि मियोसिस के टाइम पे होता क्या है, रिडक्शन डिवीजन के टाइम पे होता क्या है, जो बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, अब देखो पहले क्रोमोसोम्स कितने थे, 46, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग हो जाएगी, सी उनको ये पेयरिंग कर लेंगे, सी दे पेयर, राइट। और जो उनके नॉन सिस्टर, बेटा ये देखो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये और ये दोनों आपस में, ये क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपने सारा प्लस वन में पढ़ा हुआ होगा, राइट। तो ड्यूरिंग रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि इन दोनों के बीच में, सपोज ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह से है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा बेटा, एक्सचेंज होगा। तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा,
क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो इसी के कारण ही क्या आती हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या आती है बेटा, वेरिएशंस, एंड वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर एवोल्यूशन, तभी क्या होएगी बेटा, एवोल्यूशन, राइट। तो मैं बताऊँ कैसे क्रॉसिंग ओवर होएगी, सी सी, दोनों ने अपने पार्ट्स क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, दोनों ने अपनी कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। तो ये तीन फेजेस थे, दैट इज़ अ मल्टीप्लेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, राइट। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट कर लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, जर्म सेल्स, कौन से जर्म सेल्स, दैट इज़ PGC, प्राइमरी जर्म सेल्स, राइट। ये कहाँ पे होंगे हमारे पास, दैट इज़ इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, क्लियर। तो सबसे पहले कौन सा फेज चल रहा होता है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होएगी बेटा, माइटोसिस इनकी, और क्या बनेंगे, बनेंगे टाइप ए एंड टाइप बी, राइट। टाइप ए, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो ये कब बने, ये बने एट प्यूबर्टी। कौन सा फेज चल रहा है अभी, मल्टीप्लिकेटिव फेज, जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। अभी तक इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 46। तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ, पहले टाइप बी को ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा टाइप बी, 44। तो बेटा ऑटोसोम्स होते हैं, पता होगा आप लोगों को, 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, और दो कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, इनको हम एलोसोम्स बोलते हैं, राइट। इसमें भी कितने होंगे, सेम 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि मेल है तो मेल में क्या होते हैं बेटा, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे ये क्या बन गया हमारे पास, अब स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब कौन सा फेज चलना है बेटा, ग्रोथ फेज। अब इसकी क्या होएगी, ग्रोथ। तो नेक्स्ट फेज इज ग्रोथ, ग्रोथ होएगी तो अभी साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा। न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा ये, फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। तो दिस फेज इज नोन एज द ग्रोथ फेज, राइट। दैट इज 44 अभी भी प्लस एक्स वाई, राइट। तो अब ये ग्रोथ होने के बाद ये क्या बन गया, अभी इसका नेम जो है दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। अब क्या होना है, अब जो नेक्स्ट फेज है वो है मैच्योरेशन फेज, मैच्योर होना है। मैच्योर होगा तो अभी क्या होगा, अब होंगी डिवीजन्स, मियोसिस। तो पहले ये अब ग्रोथ फेज शुरू, सॉरी मैच्योरेशन फेज शुरू हो गया, तो इसने कर ली पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किसने करी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने, यानी कि कौन सा फेज़ शुरू हो गया, मैचुरेशन फेज़। अब हमें पता है जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है वो कैसी होती है बेटा, यस दैट इज़ रिडक्शनल डिवीजन। अब हमारे पास क्या बन गए, ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन अब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज़ 22 प्लस एक में आएगा एक्स क्रोमोसोम, हाफ यहाँ से हो गए 22, एक में आएगा
वाई क्रोमोसोम, राइट? अब क्या होएगा, अभी ये चल रही थी कौन सी डिवीजन, दैट इज़ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब क्या चलेगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों सेकेंड मियोटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने मियोसिस पढ़ी हुई होगी, मियोसिस के एंड पे कितने सेल्स बनते हैं, 4, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो अब क्या बनेंगे हमारे पास, 4, 1, 2, 3 and 4, राइट? दिस इज 22 plus x। हमें पता है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कैसी होती है बेटा, इट इज़ इक्वेशनल डिवीज़न। तो अगर इक्वेशनल डिवीज़न है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, अभी सेम। सो 22 plus y, 22 plus y, राइट? तो ये जो अभी हमारे पास बने हैं ये क्या बने बेटा, दीज आर स्पर्माटिड्स। क्या बने हैं, स्पर्माटिड्स, राइट? तो अभी ये कौन सा फेज चल रहा था, दिस वन इज़ द मैच्योरेशन फेज। कौन सा, मैच्योरेशन फेज। अभी बेटा ये स्पर्माटिड्स बने लेकिन स्पर्म्स नहीं बने हैं, तो अब ये किस में ट्रांसफॉर्म होएंगे, मैंने बताया था, मैंने कहा था दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, ये देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड्स हम पढ़ चुके हैं, मैं इसी में ये भी डायग्राम में बता रही हूँ, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सी नेक्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज स्पर्मेटोजोआ, राइट? तो ये क्या हमारे पास बन गए, स्पर्म्स बन गए। तो ये सारा किस में आता है, मैचुरेशन फेज में आता है, ये बन गए हमारे पास स्पर्मेटोजोआ, राइट? तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, ऑल डन, राइट? अब आती है बारी, हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो मैंने यहाँ पे तो बता दिया एक्चुअली कि ये बन जाएंगे ऐसे, लेकिन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस आती है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो सेकंड पार्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, राइट? बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज़ नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। सो टर्म यूज इज स्पर्मियोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्मटीलियोसिस। राइट, स्पर्मटीलियोसिस। सो नॉर्मली इसमें क्या होगा, जो स्पर्मेटिड है बेटा वो चेंज होगा शेप में, वो स्पर्मेटाजोआ बन जाएगा, राइट? सर्कुलर स्पर्मेटिड से, आप देख ही रहे हो यहाँ पे, सर्कुलर स्पर्मेटिड से ये इस शेप का हो जाएगा, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होनी, सिर्फ चेंजेस होनी है बस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो आगे ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हेन स्पर्मेटिड इट इज converted into spermatozoa, right? और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, spermiogenesis। तो spermatids आगे डिवाइड नहीं करेंगे, they do not divide further। तो फिर होगा क्या, there are changes in the cytoplasm and nucleus, there are changes in cytoplasm and nucleus, right? और इसमें होगा क्या, normally movement of cell organelles, loss of cytoplasm, Golgi apparatus में changes, कुछ special proteins plasma membrane acquire कर लेगी, so nucleus basically elongate हो जाता है और उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, कैरियोलिम्फ का, न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो जाता है। सो
चेंजेस इन न्यूक्लियस. क्या क्या चेंज आती है? नॉर्मली न्यूक्लियस इलोंगेट्स एंड रिडक्शन इन वॉल्यूम. रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. अब सेकंड जो है दैट इज अ चेंज इन गॉल्जी एपरेटस. जो बेटा गॉल्जी एपरेटस होती है ना, गॉल्जी एपरेटस, वो स्पर्मेटिड के फ्रंट में गैदर हो जाती है, राइट. उसके न्यूक्लियस में गैदर के फ्रंट में गैदर हो जाती है. जैसे ये न्यूक्लियस है तो गॉल्जी एपरेटस उसके फ्रंट में ऐसे, न्यूक्लियस के फ्रंट में ऐसे गैदर हो जाएगी. ये न्यूक्लियस, ये गॉल्जी, राइट. और यहाँ पे ये इस ये नॉर्मली इसके जो फ्यूज़न हो के ये ग्रेन्यूल्स बना देगी, राइट. तो ऐसे बन जाएगा. न्यूक्लियस के साथ ही ऐसे फ्यूज कर जाएगी. ये एक्रोसोम बना देगा जो स्पर्म की टिप पे होता है, एक्रोसोम. सो सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स दे आर फॉर्म्ड इन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे. वो ग्रेन्यूल्स फ्यूज कर जाएंगे, वो फ्यूज करके ये एक्रोसोम बना देंगे. क्या बोलेंगे उसको? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल. राइट. वो इंटीरियर में जो जहाँ पे गॉल्जी ऊपर इकट्ठी होगी, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनने का वो इंटीरियर पोर्शन होगा स्पर्म का, राइट. उसके बाद आती हैं चेंजेस इन सेंट्रियोल. सेंट्रियोल में क्या क्या चेंजेस आती हैं बेटा? सेंट्रियोल आपको पता है ना, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं. ये जो सेंट्रियोल्स हैं बेटा, ये सेपरेट हो जाएंगे अब, राइट. जो सेंट्रियोल्स हैं दे शिफ्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस. सो सेंट्रियोल्स शिफ्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस. तो स्पर्म के न्यूक्लियस के पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर. नेक्स्ट है चेंजेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ड्यूरिंग दिस बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बट साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया नंबर डिक्रीजेज बट साइज इंक्रीजेज. बट साइज इंक्रीजेज और माइटोकॉन्ड्रिया शिफ्ट हो जाती है बिहाइंड द सेंट्रियोल. देखो सेंट्रियोल्स किसके पीछे थे? न्यूक्लियस के. अब सेंट्रियोल्स के पीछे कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया शिफ्ट्स बिहाइंड द न्यूक्लियस. ये जब हम सारा डायग्राम करेंगे ना स्पर्म का, ये तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज अ चेंज इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस आएंगी बेटा? जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल एक शीद रह जाती है. ऐसा क्यों बेटा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्पर्म तो बहुत हैवी हो जाएगा, फिर वो स्विम नहीं कर पाएगा. तो स्पर्म को लाइट करने के लिए मच ऑफ द साइटोप्लाज्म इज डिस्कार्डेड फॉर ईजी स्विमिंग, राइट. सो much of the cytoplasm is discarded. For easy swimming. Clear? Next is a change in plasma membrane. चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
बेटा नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पूरी देखो पहले स्पर्मेटिड राउंड था ऐसे सर्कुलर था, तो उसने शेप जो है वो कैसे लेनी है अब स्पर्म ने, कुछ इस तरह से। राइट तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितना एक्सटेंड होना पड़ेगा। राइट सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स एज द डिवेलपिंग स्पर्मेटोजोन इलोंगेट्स, इट कवर्स द एक्रोसोम, इट कवर्स द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस एंड इवन द टेल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स और इलोंगेट्स एज द स्पर्म कीप्स ऑन इलोंगेटिंग, इट कवर्स द एक्रोसोम, दिस वन इज एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडल पीस एंड टेल। राइट और उसकी सरफेस के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स आ जाते हैं जिसे वो एग के साथ बाइंड भी करता है, उसको रिकॉग्नाइज भी करता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्वायर सम स्पेशल प्रोटीन्स बाय विच इट रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंडिंग बाइंड्स टू टू एग। राइट तो ये था बेटा हमारा टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की हमने बात करें अगर गैमेटोजेनेसिस की या स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो तीन फेजेस में होता है ये, दैट इज़ द प्रोलिफरेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। और आपको ये बता दूँ ये पूरे प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कितने डेज लगते हैं, 64 days। सो द 64 days प्रोसेस टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। राइट और इन तीनों फेजेस में से सबसे बड़ा जो फेज होता है वो होता है मैचुरेशन फेज। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।